शादी में ननिहाल आई बालिका का संदिग्ध हालत में घर से 500 मीटर दूर नदी में अर्धनग्न मिला शव। शरीर पर कई जगह नुकीले धातु से गोदने के निशान। आजमगढ़ में एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना घटी। बरदा थाना क्षेत्र के औदा हिलालपुर में आधी रात के बाद से लापता 11 वर्षीय बालिका का शव अर्धनग्न अवस्था में घर से 500 मीटर दूर उदंती नदी में बरामद हुआ। शरीर पर, हाथ में व पैर पर नुकीले हथियार से गोदा गया था। सिर पर भी चोट थी। घटना को लेकर लोग अवाक रह गए थे। मेहनगर थाना के रामनगर के निवासी शिवपूजन वनवासी की ससुराल अवधा में है। शिवपूजन के साले खरहू पुत्र शोभनाथ की लड़की खुशबू की आज 29 जून को शादी थी। वहीं खुरहू के घर के पीछे ही चंद्रिका के घर कल 28 जून को शादी थी। बारात मेहनगर से आई थी। शिवपूजन परिवार के साथ अपने साले की लड़की की शादी में यहां पर आए थे। उनके दो पुत्र व दो पुत्रियों में तीसरे नंबर की 11 वर्षीय वंदना भी आई थी। 3 दिन से यह लोग यहां पर थे। एक दिन पूर्व मेहंदी की रस्म हुई थी। देर रात तक डीजे पर परिवार के लोग डांस भी किए थे। इसके बाद करीब 2:30 बजे के आसपास से वंदना नहीं मिल रही थी। जब खोजबीन शुरू हुई और आज सुबह घर से 500 मीटर दूर नदी में किनारे लाश बरामद हुई। घटना की सूचना के बाद मौके पर बरदा एसओ विकास चंद पांडे, देवगांव कोतवाल गजानन चौबे, एसओजी प्रभारी संजय सिंह, सीओ लालगंज मनोज रघुवंशी, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य समेत फील्ड यूनिट व फॉरेंसिक यूनिट के साथ डॉग स्क्वाड पहुंच गया था। पुलिस टीम ने घर के सदस्यों के साथ ही घर के पीछे कल रात में चंद्रिका के यहाँ जहाँ बारात आई थी उनके यहाँ भी लोगों से पूछताछ की। 5 लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। वहीं मामले में एसपी ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, तब स्थिति स्पष्ट होगी। सुनते हैं मामले में एसपी ने क्या जानकारी दी। थाना बरदा अंतर्गत ग्राम हिलालपुर में आज एक 10 वर्षीय बच्ची की डेड बॉडी नहर के किनारे मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी SHO बरदा, CO लालगंज और फील्ड यूनिट डॉग स्कॉट के द्वारा मौका मुआयना किया गया। मेरे द्वारा भी घटना संरीक्षण किया गया है। बॉडी को जब प्रथम दृश्य देखा गया है तो उस पे 2 इंजरीज हाथ और पैर पे, बहुत पतली इंजरीज किसी नुकीली चीज़ की दिखाई दी है। मृत्यु का एग्जैक्ट कारण जानने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। फील्ड यूनिट के द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। जो भी तथ्य होंगे वो एविडेंस के आधार पर सामने आएंगे और परिवार वालों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर FIR पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रात में कल एक बारात भी आई हुई थी जिससे कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर ले जाया जा रहा है।